नमस्कार, बीसीएन न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मराठी भाषिकों का सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखने मिल रही है। शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि सावन सोमवार का व्रत विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और कष्ट से मुक्ति मिलती है। उसी श्रृंखला में शहर के महल परिसर स्थित कल्याणेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना की है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयम् अमृतात्। जी हाँ, सावन का महीना भोले बाबा को बहुत प्रिय माना जाता है और इसी सावन के महीने में सोमवार का दिन ये कुछ खास ही होता है। श्रावण सोमवार जिसे कहा जाता है, सावन सोमवार रहता है और सावन सोमवार में जो है शिवालय में भक्तों की बड़ी भीड़, श्रद्धालुओं की जो है बड़ा तांता सुबह से लगा रहता है। हम आज आए हैं शहर के महल परिसर स्थित कल्याणेश्वर मंदिर में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जो कल्याणेश्वर मंदिर है इसका एक प्राचीन इतिहास रहा है। ये महल परिसर जो है या ये परिसर महल परिसर जो है इसे भी प्राचीन इतिहास है। राजवाड़ा यहाँ होने से ये महल इस परिसर का नाम हुआ है और उसी समय यहाँ शंकर जी का ये मंदिर था और प्राचीन काल से ये मंदिर जो है लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। और सावन का महीना है, सावन का पहला सोमवार है, तो पता ही है कि जो श्रद्धालु है वो मंदिर में बिल्कुल आते हैं क्योंकि ये प्राचीन एक मंदिर है। आप देख पा रहे हो कि श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी जो है शुरू है, सुबह से यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ भीड़ जो है आज दिखाई दे रही है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भगवान के दर्शन करने, साथ ही साथ ये योग भी एक बनाया है कि नागपंचमी का दिन भी आज है और श्रावण का पहला सोमवार भी यहाँ है। आप देख पा रहे हो कि लोग जो है भक्तिभाव से पूजा अर्चा करते देख रहे हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस महीने को बेहद खास माना गया है। इस महीने में शिव की विशेष पूजा के साथ श्रावण के सोमवार का व्रत रखने का भी चलन है। इसके अलावा भी श्रावण में कई विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस श्रृंखला में मंदिर के ट्रस्ट की ओर से श्रीमद् शिव महापुराण का आयोजन किया गया। जैसे कि हमने बताया, सावन महीना जो है भोले बाबा का प्रिय महीना होता है और सावन महीने में जो है कई धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और उसी श्रृंखला में हम देख पा रहे हैं कि कल्याणेश्वर जो मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर जो ये रुद्राक्ष से बनी शंकर जी की पिंड बनाई गई है। यहाँ पे जो है श्रीमद् शिव पुराण कथा का भी आयोजन जो है सावन महीने के उपलक्ष पर किया गया है और यहाँ भी जो है भाविक जो है श्रद्धालु जो है भक्तिभाव से अपना माथा टेकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। है कि श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर इस महीने में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो शिव जी को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। शिव जी के तमाम भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्रावण भर उनकी विशेष पूजा करते हैं। इसी तरह कुछ चमत्कारिक अनुभव बाबा कल्याणेश्वर के श्रद्धालु को भी आए, जो अनुभव श्रद्धालु द्वारा साझा किए गए। माझे नाव वैशाली पिंजरकर आहे आणि हे कल्याणेश्वर मंदिर खूप जुनं काळचं, बहुतेक मी लहान असेल त्याच्या आधीचंच आहे। आणि हे कसं चमत्कारी मंदिर आहे आणि माझ्यासोबतही असा चमत्कार घडलेला आहे की माझे मिस्टर करोना काळामध्ये इतके आणि पुष्कळच होते की जाण्याच्या तयारीत होते, पण इथे ह्या चमत्कारी मंदिरापासून आणि भोले बाबापासून मी इथे रोज यायची आणि खूप रडायची। जेवढे माझे अश्रू आहे तेवढे बाबांनी बघून घेतले आणि मला इतकी खुशी दिली की माझ्या नवऱ्याला वापस आणलं। आणि माझंच नव्हे तर असे पुष्कळ चमत्कारी इथे चमत्कार घडलेले आहे आणि प्रत्येक भक्तांना यानं चमत्कार मिळत आहे म्हणून इतकी गर्दी असतो हा। आणि प्रिय महिना पुरुषोत्तम मास होऊन गेला, अधिक महिना पुरुषोत्तम मास म्हणतात आणि हा प्रिय आपला श्रावण महिना, त्याच्यामुळे भाविकांना पुष्कळ काही चमत्कार घडले म्हणून इथे अतोनात गर्दी असते आणि त्यांना कल्याणी म्हणजे कल्याणच करतात ते, सगळ्यांचं कल्याण करो अशी हर हर महादेव। मी प्राध्यापक दिनेश बाणावकडे
श्रावण उत्सव समितीचा सचिव या नात्याने कल्याणेश्वर मंदिर ट्रस्ट हे फार जुनं आहे. एवढं नंतर 400 पुरातन वर्ष हे मंदिर आहे. याला आख्यायिका अशी फार आगेवेगळे जोडलेली आहे. प्रत्येकाला याचा फायदा झालेला आहे. सामाजिकदृष्ट्या जर याला बघितलं आपण तर या मंदिरामध्ये पहिला सोमवार हा मराठी भाषिकांचा सोमवार आहे आणि या सोमवार निमित्तानं आपण आता गर्दी बघताय. ही गर्दी जसा जसा दिवस पालटेल जसजसा अवधी पालटेल ती गर्दी वाढत जाईल आणि एका व्यक्तीला दर्शन करायला कमीत कमी 3 ते 4 तासाचा अवधी लागेल. याच्यावरनं अंदाज येतो की हे मंदिर किती प्राचीन आणि जुनं आहे. ज्याने ज्याने इथे आशीर्वाद मागितला त्याला त्याला इथे फायदा झालेला आहे अशा या मंदिराची आख्यायिका आहे. आणि भोले म्हणजे महादेव आहे. महादेवाचं जे काही आहे ते तुम्हाला आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळं या मंदिराचं अस्तित्व फार आगेवेगळं आहे. आज श्रावण सोमवार और नागपंचमी के खास दिन का विशेष महत्व पूर्ण दिन पर श्रद्धालुओं द्वारा कल्याणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर शिव भगवान को दुग्ध अभिषेक और साथ ही जलाभिषेक कर अपनी प्रार्थना की. श्रावण सोमवार पर व्रत रखने की मान्यता है और इसे देखते हुए मंदिर परिसर में ट्रस्ट की ओर से साबूदाना खिचड़ी महाप्रसाद के तौर पर भक्तों को वितरित की गई है. मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का भगवान शिव के दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है. परिसर के वातावरण में भोले बाबा के भजन एवं गीतों से भक्तिमय हुआ था. सावन महीना जो होता है ये शिव शंकर जी का प्रिय महीना होता है. इस महीने में अगर हम विधि विधान से शिव शंकर जी की भोले बाबा की पूजा करते हैं तो निश्चित ही अपनी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है ऐसा मानना है. श्रद्धालु जो है इसी मान्यता के साथ जो है अपने भोले बाबा के दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं. हमने देखा कि यहाँ भी कई भाविक थे. वैसे तो ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है. इसे अपना एक अलग इतिहास भी है क्योंकि ये भोसले कालीन मंदिर है कल्याणेश्वर मंदिर. और नाम जैसा है कल्याणेश्वर वैसे ही कल्याण करने वाले बाबा भोले बाबा है. ऐसे यहाँ जो लोग आते हैं श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा कहा गया है उन्हें कुछ चमत्कारों का यहाँ अनुभव भी हुआ है कल्याणेश्वर मंदिर में. और आज तो योग बना है नागपंचमी और सावन का पहला सोमवार. तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी. साथ ही साथ यहाँ महाप्रसाद मतलब जो भी उपवास का प्रसाद है साबुदाना हो उसका वितरण भी यहाँ मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो है आने वाले श्रद्धालुओं को किया गया है. कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपुर.